हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे सोशियोलॉजी का चैप्टर 6, जो कि था चेंजेस ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी, जिसका आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो आज के हमारे ब्रॉड टॉपिक्स रहेंगे वो होंगे कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, अथॉरिटेरियन स्टेट और सिविल सोसाइटी। आज हम पढ़ेंगे कम्युनलिज्म के बारे में, सेकुलरिज्म के बारे में, एक अथॉरिटेरियन स्टेट किसे कहते हैं उसके बारे में और सिविल सोसाइटी के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट कि कम्युनलिज्म किसे कहा जाता है। द वर्ड कम्युनलिज्म रिफर्स टू अग्रेसिव शोविनिज्म। अग्रेसिव शोविनिज्म मतलब अग्रेसिव पेट्रियोटिज्म आ जाना रिलीजियस आइडेंटिटी के बेस पे। अगर किसी पर्सन के अंदर अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को लेके बहुत ज्यादा पेट्रियोटिज्म आ जाए तो उसको हम कहते हैं कम्युनलिज्म। शोविनिज्म इटसेल्फ इज एन एटीट्यूड दैट सीज वन्स ओन ग्रुप एज द ओनली लेजिटिमेट और वर्दी ग्रुप। तो ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें जो अपना ग्रुप होता है या अपना रिलीजन होता है वही सबसे ज्यादा लेजिटिमेट और सबसे ज्यादा वर्दी लगता है। यानी कि एक पर्सन को अपना ही ग्रुप, अपनी ही कम्युनिटी सबसे ज्यादा सही लगनी शुरू हो जाती है और जो बाकी के ग्रुप्स और कम्युनिटीज होते हैं वो उनको इललेजिटिमेट या फिर अपोज लगने शुरू हो जाते हैं, अपने एनिमीज की तरह लगने शुरू हो जाते हैं। कम्युनलिज्म इज एन अग्रेसिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लिंक टू रिलीजन। तो कम्युनलिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसको रिलीजन के साथ जोड़ दिया जाता है। इन इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू अ कम्युनिटी। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी इंग्लिश डेफिनेशन की बात करें तो कम्युनलिज्म को कैसे डिफाइन किया गया है कि वो एक कम्युनिटी है या फिर एक कलेक्टिविटी है एज डिफरेंट फ्रॉम एन इंडिविजुअल, जो कि एक इंडिविजुअल से डिफरेंट है। इट इज इम्पोर्टेंट टू एम्फसाइज दैट कम्युनलिज्म इज अबाउट पॉलिटिक्स नॉट अबाउट रिलीजन। यानी कि जो कम्युनलिज्म है वो ज्यादा किसको एम्फसाइज करता है, पॉलिटिक्स को एम्फसाइज करता है। अ कम्युनलिस्ट मे और मे नॉट बी अ डिवोट पर्सन। जरूरी नहीं है कि जो एक कम्युनलिस्ट है जो कम्युनलिज्म फैला रहा है वो पर्सन बहुत ज्यादा डिवोटेड हो अपने रिलीजन के लिए। एंड अ डिवोट बिलीवर्स मे नॉट बी कम्युनलिस्ट। और जरूरी नहीं है कि जो बहुत ज्यादा डिवोटेड पर्सन है अपने रिलीजन के लिए, जरूरी नहीं है हर वो पर्सन कम्युनलिस्ट हो। However, all communalists do believe in a political identity based on religion. लेकिन सारे communalists किस पे believe करते हैं? एक political identity पे जो कि religion पर based होती है। Communalists cultivate an aggressive political identity. इनकी एक बहुत ज़्यादा aggressive political identity होती है। और ये किस लिए prepared होते हैं? Condemn करने के लिए, attack करने के लिए हर उस person को जो इनके जैसी same political ideology नहीं रखता। One of the characteristic feature of communalism is its claim that religious identity overrides everything else. जो communalists होते हैं वो ये मानते हैं कि religion ही सबसे ऊपर है और religion की identity के अलावा हमारी और कोई identity नहीं है। Communalism is an especially important issue in India because it has been a recurrent source of tension and violence. यानी कि जो कम्युनलिज्म है ये इंडिया में बहुत ज्यादा टेंशन का इशू रहा है क्योंकि इसकी वजह से इंडिया में काफी बार वायलेंस हो चुका है। ड्यूरिंग कम्युनलिस्ट रायट्स, जब कम्युनलिज्म के रिलीजन के नेम पे रायट्स होते हैं, टेंशन होती है, पीपल बिकम फेसलेस मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज। यानी कि तब लोग अपने आप को भूल के सिर्फ किसके रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, अपनी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक्ट करते हैं। They are willing to kill, rape and even loot the members of other communities. So, वो इतने ज़्यादा shallow हो जाते हैं, इतने ज़्यादा वो क्या कहते हैं, अपने communalism को इतना ज़्यादा aggressive बना देते हैं कि वो दूसरे members, दूसरी community के members को kill, rape या loot करने से भी पीछे नहीं हटते। In order to redeem their pride, to protect their home turf, यानी कि अपने ग्रुप, अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए वो दूसरी कम्युनिटी को किसी भी तरीके का हार्म पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नो रीजन हैज बीन होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम कम्युनल वायलेंस। आज तक ऐसा कोई रीजन नहीं हुआ जिसमें पूरी तरीके से कम्युनल वायलेंस ना हुआ हो, या ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जिसमें कम्युनल वायलेंस ना देखा गया हो ऑफ वन काइंड और द अनदर। एवरी रिलीजियस कम्युनिटी हैज फेस्ड दिस वायलेंस इन ग्रेटर और लेसर डिग्री। यानी कि हर रिलीजियस कम्युनिटी में कम्युनल वायलेंस देखा जाता है, कहीं पे कम कहीं पर
ज्यादा द टू मोस्ट ट्रॉमेटिक कंटेम्प्रेरी इंस्टेंसेस ऑफ कम्युनल वायलेंस अकर्ड अंडर ईच ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज. तो जो मेजर दो मेजर इंस्टेंसेस हुए थे कम्युनल वायलेंस के, वो एक तो हुआ था कांग्रेस के सेशन में, जो कि हुआ था एंटी सिख रायट दिल्ली में 1984 में. एक हुआ था बीजेपी गवर्नमेंट के सेशन में, जो हुआ था गुजरात में, जो हुआ था एंटी मुस्लिम वायलेंस 2002 में. अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, यानी कि सेकुलरिज्म कहते किसे. द टर्म सेकुलर एंड सेकुलरिज्म आर वेरी हार्ड टू डिफाइन क्लियरली. ये बहुत ही वेग टर्म है, इसको क्लियरली डिफाइन कर पाना मुश्किल है. सेकुलरिज्म इज अमंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टर्म्स इन सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि सोशियोलॉजी की और पॉलिटिकल साइंस की बहुत ज्यादा वेग और कॉम्प्लेक्स टर्म है. द सेपरेशन ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी मार्क द मेजर टर्निंग पॉइंट इन सोशल हिस्ट्री. तो ये जो रिलीजियस और पॉलिटिकल अथॉरिटी है, इसको जब सेपरेट कर दिया गया, यानी कि रिलीजन को जब ये कहा गया कि रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग है, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट थी. दिस सेपरेशन वॉज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ सेकुलराइजेशन. तो जब ये कहा गया कि रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग अलग है, तो इस प्रोसेस को क्या नेम दिया गया, सेकुलराइजेशन का नेम दिया गया. सेकुलराइजेशन इन टर्न वॉज रिलेटेड टू अराइवल ऑफ मॉडर्निटी. और सेकुलराइजेशन के साथ क्या आया, मॉडर्निटी आई एंड द राइज ऑफ साइंस एंड रैशनैलिटी. लोगों में साइंटिफिक थिंकिंग आई, रैशनल थिंकिंग आई, लोग रैशनली सोचने लगे एज ऑल्टरनेटिव टू रिलीजियस वेज. रिलीजियस वे और रिलीजियस थिंकिंग को छोड़ के लोग साइंटिफिक थिंकिंग को अडॉप्ट करने लगे इस वर्ल्ड को समझने के लिए. A secular person or state is one that does not favor any particular religion over others. तो एक secular person या फिर एक secular state क्या होती है, वो ये होती है कि जो एक particular religion को high status नहीं देती दूसरे से, ये सबको same level पर place करती है. Secularism in this sense is the opposite of religious chauvinism. जो हमने पहले पढ़ा religious chauvinism, इसका opposite है secularism. And it need not necessarily imply hostility to religion as such. In terms of state-religion relationship, अगर state और religion के relationship की बात करी जाए, तो secularism का मतलब है equal respect to all religions rather than separation or distancing. यानी कि अलग-अलग religion को separate या distance करने की बजाय उनको equal respect देना. For example, the secular Indian state declares public holidays to mark the festivals of all religion. इसका एक एग्जाम्पल है कि जितने भी पब्लिक हॉलीडेज होते, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, सब पे पब्लिक हॉलीडेज दी जाती हैं. ऐसा नहीं होता कि किसी एक कम्युनिटी के एक किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के फेस्टिवल पे हॉलीडे है और किसी दूसरे रिलीजन के फेस्टिवल पे हॉलीडे नहीं है. तो वो उससे क्या होता है, सेकुलरिज्म का एसेंस खत्म होता है. सेकुलरिज्म का मतलब ही ये है सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना. अब हम बात करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, अथॉरिटेरियन स्टेट. यानी कि अथॉरिटेरियन स्टेट क्या है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, कहते किसे हैं. एन अथॉरिटेरियन स्टेट इज द ऑपोजिट ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट. एक डेमोक्रेटिक स्टेट का ऑपोजिट, जैसे हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें हर सिटीजन को राइट टू वोट, राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच और हमें कितनी ज्यादा लिबर्टी दी गई है, तो एक अथॉरिटेरियन स्टेट इसकी ऑपोजिट कहलाती है. इसमें क्या होता है, इस स्टेट में इट इज अ स्टेट इन विच द पीपल हैव नो वॉइस. लोगों को बोलने का कोई चांस ही नहीं दिया जाता, उनको अपनी बात रखने का कोई चांस ही नहीं दिया जाता. एंड दोज इन पावर आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन. और जो यहाँ की गवर्नमेंट होती है, जो पावर में होती है, ये अपने डिसीजंस के लिए किसी को भी अकाउंटेबल यानी कि आंसरेबल नहीं होती है. अथॉरिटेरियन स्टेट्स ऑफन लिमिट और अबॉलिश सिविल लिबर्टीज. कभी कभी क्या होता है, जो अथॉरिटेरियन स्टेट होती है वो लोगों की लिबर्टीज को, सिविल लिबर्टीज को, यानी कि एज अ सिटीजन जो उनको राइट्स मिलने चाहिए, उनको लिमिट कर देती है. जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच उनसे ले लिया जाता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम रॉन्गफुल यूज ऑफ अथॉरिटी, राइट टू द ड्यू प्रोसेसेस ऑफ द लॉ एंड सो ऑन. तो इस तरीके के काफी राइट्स उनसे ले लिए जाते हैं अथॉरिटेरियन स्टेट में. और इस तरीके के अथॉरिटेरियनिज्म के अलावा देयर इज आल्सो द पॉसिबिलिटी दैट स्टेट इंस्टीट्यूशंस बिकम अनेबल और अनविलिंग टू रिस्पोंड टू द नीड्स ऑफ पीपल. कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक अथॉरिटेरियन स्टेट अनएफिशिएंट हो जाए, कि वो लोगों की नीड्स को पूरा ही ना कर पाए. और इस ये इनएफिशिएंसी किसकी वजह से होती है, करप्शन की वजह से या फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से.
अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो है सिविल सोसाइटी के बारे में, कि सिविल सोसाइटी किसे कहते हैं और सिविल सोसाइटी होती क्या है। सिविल सोसाइटी इज द नेम गिवन टू ब्रॉड एरेना, ये एक बहुत ज्यादा ब्रॉड एरेना है दैट लाइज बियॉन्ड प्राइवेट डोमेन ऑफ फैमिली, यानी कि फैमिली का फैमिली से बाहर, यानी कि फैमिली से बड़ी है, बट आउटसाइड द डोमेन ऑफ बोथ स्टेट एंड मार्केट, यानी कि स्टेट मार्केट फैमिली, इन सबसे भी एक ब्रॉड एरेना जिसको क्या कहा जाता है, सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी इज द नॉन स्टेट नॉन मार्केट पार्ट ऑफ पब्लिक डोमेन, ये क्या है, नॉन स्टेट नॉन मार्केट डोमेन है, पब्लिक डोमेन है, जिसमें लोग वॉलेंटरली अपनी मर्जी से आते हैं, गेट टुगेदर करते हैं और ग्रुप्स बनाते हैं, सोशल ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करते हैं। इट इज द स्फीयर ऑफ एक्टिव सिटीजनशिप, यहाँ पे क्या देखा जाता है, एक्टिव सिटीजनशिप देखी जाती है, जहाँ पे इंडिविजुअल सोशल इश्यूज को उठाते हैं और गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ट्राई करते हैं इन्फ्लुएंस करने की, ताकि वो अच्छे डिसीजंस ले पाए लोगों के वेलफेयर के लिए, गवर्नमेंट से डिमांड्स करते हैं, गवर्नमेंट को क्या कहते हैं परस्यू करते हैं, और इन इन जो एक सिविल सोसाइटी होती है उनके कलेक्टिव इंटरेस्ट होते हैं और ये अलग अलग कॉजेस के लिए सामने आकर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस फॉर्मड बाय ग्रुप ऑफ सिटीजंस, यानी कि वॉलेंट्रीली मतलब अपनी मर्जी से लोग आके, सिटीजंस आके ये ग्रुप्स फॉर्म करते हैं। इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड यूनियंस। तो अब इस सिविल सोसाइटी में कौन कौन आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी आती है, मीडिया इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ट्रेड यूनियन आती है, एनजीओज आते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, और ऐसे भी और अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इंक्लूडेड हैं। इनका जो मेन क्राइटेरिया वो ये होता है कि एक सिविल सोसाइटी का जो मेन क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि जो अथॉरिटी है वो स्टेट के हाथ में ना जाए, लेकिन वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, इट शुड नॉट बी अ प्योरली कॉमर्शियल प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। तो इनका मकसद ये नहीं होता कि वो कॉमर्शियल प्रॉफिट या पैसा कमाएं ऐसा करके, ये सब काम करके। टुडे द एक्टिविटीज ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैव एन इवन वाइडर रेंज, यानी कि अब धीरे धीरे टाइम के साथ सिविल सोसाइटी की जो एक्टिविटीज हैं वो और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब उनकी एक्टिविटीज में क्या क्या इन्वॉल्व हो गया, एडवोकेसी, लॉबिंग, यानी कि वो लॉबिंग करते हैं, एडवोकेसी करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज इन्होंने इंक्लूड कर ली हैं, और वो नेशनल और इंटरनेशनल मूवमेंट्स भी करते हैं। सिविल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन कीपिंग अ वॉच ऑन द स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सोसाइटीज होती हैं ये स्टेट पे वॉच यानी कि एक नज़र रखती हैं, ताकि जो एक कंट्री है उसकी जो स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो हो सके, हर पर्सन को अपनी बात रखने का हक मिल सके और स्टेट तक हर पर्सन की जो प्रॉब्लम है, ग्रीवियंसेस हैं वो पहुंच सके। आई होप आपको हमारी आज की क्लास में इंटरेस्ट आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। आप हमारे लर्न करोगे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनी वेयर, आप हमारी लाइव क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं। आपको मिलती हैं पर्सनलाइज्ड स्टूडेंट रिपोर्ट्स, जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को खुद एनालाइज कर सकते हैं कि यार मैं कैसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है। आपको सोशियोलॉजी के आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं वो आपको बताऊंगी मैं खुद इन क्लासेस में, आपको सारी सोशियोलॉजी की प्रॉब्लम्स क्लियर करवा दी जाएंगी। आपको सोशियोलॉजी के टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको एक अगर आपको अकेले पढ़ने में बोरिंग लगता है तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ आराम से इंजॉय कर सकते हैं और आराम से पढ़ाई कर सकते हैं मिलजुल कर। आप हमारा जो लर्न करो का दो जो ऑफिशियल ऐप है, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड करना मत भूलिए। हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, तो हमें ज्वाइन करिए। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, टेक केयर, बाय बाय।